नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खबरों की तरफ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है झांसी के तहसील मोट से। झांसी के तहसील मोट के कस्बा समतर का मामला है, जहां ग्वालियर के समतर थाने से आने वाली बस पंडोखा तरफ से तेज रफ्तार में आ रही थी, तभी रोड खराब होने की वजह से अचानक बस का नियंत्रण बिगड़ गया और बस रोड किनारे खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी मोट डॉक्टर प्रदीप कुमार अपने साथ थाना पूंछ व एरएच का पुलिस फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर राहगीरों की सहायता से लगभग 12 लोगों को बस से बाहर निकाला गया, जिसमें 5 महिलाएं, 6 पुरुष, 1 बच्चा था, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समथर में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, जहां पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता द्वारा घायलों का इलाज किया गया। अभी ये मेरे को संज्ञान में आया है, अभी 1:30 बजे करीबन पे संज्ञान में आया कि बस बहादुरपुर रोड पे कोई बस पलट गई एजेंसी के सामने। तो वहाँ से अभी तक हमारे पास कुल मिलाकर के 12 लोग घायल हमारे पास आए हैं, जिसमें से 5 महिलाएं हैं, 6 पुरुष हैं और 1 बच्चा है। देखिए, अभी सूचना प्राप्त हुई थी थोड़ी देर पहले कि थाना समथर में मध्य प्रदेश से आने वाली एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर समथर से पहले ही पंडोखर रोड पर पलट गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है, राहत और बचाव कार्य के लिए साथ में एम्बुलेंस और अन्य थानों की पुलिस को भी बुला लिया गया। सभी यात्री जो घायल थे उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है। तकरीबन 9 लोग घायल बताए गए हैं, इनमें से 4 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं।